जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम चल रहे हैं अभी गिर की तरफ, गिर नेशनल पार्क। ये देखिए, हम जस्ट अभी पहुँचे हैं सोमनाथ से गिर। सोमनाथ से गिर जाने के लिए लगभग एक घंटे का सफ़र है, जो कि 50-60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं, ये है एंट्रेंस गिर की। चलिए तो हम चलते हैं अभी अंदर। मेरे तो एक्साइटमेंट इतनी है कि लाइव लायंस देखने की। ये देखिए, एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया दी हुई है, कुछ कैफेटेरिया पे है, और सबसे पहले आपको जाना है बुकिंग ऑफिस अपनी टिकट्स लेने के लिए, यहाँ परमिट बोल सकते हो। ये देखिए, अब हमारी परमिट हमारे हाथ में है। सबसे पहले जान लेते हैं कि उम्र की, एज की। तो अगर जो भी बच्चा 2 साल से ऊपर है, तो उसकी यहाँ पे आपको टिकट फुल लगेगी। तो एनीवन अबव 2 ईयर्स, फुल टिकट। और ये आपने देखा, जस्ट राइट साइड में कुछ कैफेटेरिया है, और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं कि प्लीज़ डू नॉट फील द वाइल्ड। ये देखिए, ये है हमारी राइड। हम इस बस में जाएंगे फॉरेस्ट टूर करने। अमेजिंग, आप बसेस भी देख सक रहे हो। उन लोगों ने बसेस को भी ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया हुआ है, वो एकदम ही सफारी बसेस हैं। और चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब भी आप टिकट निकालते हो, आपको टिकट पे बस का नंबर आता है। ये देखिए, सुविनियर शॉप भी है, आपको अगर कुछ सुविनियर लेके जाना है गिर का। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि आपके परमिट या टिकट पे आपका बस नंबर लिखा हुआ है कि आपको कौन से बस में जाना है। तो हमारी बस है ये वाली 664। वाव, देखिए प्रिंट्स, देखिए बस के ऊपर, ब्यूटीफुल। और मोस्ट अमेजिंगली, ये सब एक्चुअली टूरिज्म ऑफ गुजरात का है। आप देख सकेंगे, ये देखिए गुजरात टूरिज्म। और बसेस कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, सी थ्रू बसेस हैं, कि आप वाइल्ड जब आप इनकाउंटर करते हो, आप जब देखते हो उनको लाइव, तो आप एक्चुअली उनको हर एक एंगल से देख सकते हो। तो चलिए, अब हमारी बस शुरू हो चुकी है, हम बढ़ते हैं फॉरेस्ट की तरफ। अभी हमने अब तक फॉरेस्ट में एंट्री नहीं की है। ये आ गई हमारी फॉरेस्ट की गेट। ये देखिए, लायन, कब्स, और बिलीव मी ऑर नॉट, ये वो जगह है जहाँ पे अफ्रीका के बाद पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि मेन जो है किंग ऑफ द जंगल, जो राजा है जंगल का, वो है लायन, वो आपको फ्री रोमिंग करते हुए दिखेगा। वो आपको बस से कुछ ही दूरी पे दिखेगा। और इस जगह पे गिर में आप एक्चुअल में उनके ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो, वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से टिकट है, यहाँ परमिट है गिर की। इस पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नंबर ऑफ पर्सन्स, कि आपने कितने लोगों की बुकिंग की है। और जैसे मैंने बताया, एक्चुअली अबव 2 ईयर्स आपको फुल टिकट है, और इसमें कुछ डू एंड डोंट्स भी दिए हुए हैं। और इसकी फिलहाल इस समय तो चार्जेस हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का टूर है। तो हम तो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा, देखते हैं। क्योंकि ड्राइवर्स ना जल्दी स्पॉट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा इस जगह पे घूमते ही रहते हैं, तो वो जल्दी स्पॉट कर देते हैं कि यहाँ पे कोई एनिमल है। देखिए आप, इस जगह पे ड्राइवर ने हमें अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे कुछ तो है, और वहाँ पे एक्चुअल में एक डियर्स का ग्रुप है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस फॉरेस्ट के अंदर जो भी लैंड है, उस पर इन लोगों ने प्रॉपर से रोड्स नहीं बनाए हैं, यहाँ पे ट्रैक्स बनाए हैं, बसेस के लिए भी ट्रैक्स हैं। ये देखिए, गिर फॉरेस्ट में काफ़ी ऐसे स्पीसीज हैं जो आपको नॉर्मली बहुत अलग अलग कंट्रीज में नहीं दिखती हैं।
क्योंकि गेर जो है एक्चुअल में आता है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और गेर बना हुआ है टोटल एरिया ऑफ 1412 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि 258 किलोमीटर में आता है। वाओ, ये देखिए, अ लायन, अ लायनेस, एंड ड्राइवर तो कह रहा है कि कब भी है वहाँ पे, क्योंकि हमने तो स्पॉट नहीं किया अब तक, तो डेफिनेटली हम थोड़ा आगे जाएंगे तो दिख जाएगा। ये देखिए लायन, मुझे लगता है टायर्ड हो रखा है उसने, अभी मस्त खाना खाया। ये देखिए उसने अभी जस्ट फुल फेस दिया है हमें, द किंग ऑफ द जंगल, ही इज टायर्ड। इतना क्लोज से मैंने लायन को कभी नहीं देखा ऑनेस्टली। जू वगैरह में जाते हो तो आप उनको केजेस वगैरह में देखते हो, बट यहाँ पे वो लूज हैं, वो रोम कर रहे हैं, या खट लूज वो आराम से बैठे हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी देखते हैं, थोड़ा आगे मूव करेंगे हम कि एक डिफरेंट एंगल से, कि हम हो सकता है कि कब को भी अच्छे से स्पॉट कर पाएं। Beautiful. This is what I call incredible India. Wow. Have you seen a lion yawning? Look at that. Oh, I see the cub. Oh, dekhiye lioness ke just pass mein baitha hua ek chota sa cub. हमारा बच्चा हमारे साथ था एंटायर टूर में, क्योंकि सबसे बड़ी विश तो उसकी ही थी कि यहाँ पे मुझे लेके चलो, जैसे ही उसे पता चला, क्योंकि हमारी ट्रिप थी सोमनाथ में। तो आप देख सकते हो, क्योंकि वाव, लुक एट द फेस, कब को आप देख सकते हैं क्लियरली, तो उसको वो देखना था। और बेसिकली जब जैसे ही उसने इनको स्पॉट किया, तो उसने तो उसको नाम वही दे दिया कि एक मुफासा है और वो सिम्बा है। उसने लायन किंग की स्टोरी बना दिया यहाँ पे। बट इट्स ब्यूटिफुल टू सी और स्पॉट लायन, लायनेस एंड अ कब। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, आगे देखते हैं हम क्या क्या स्पॉट करेंगे अभी। यहाँ पे एंट हिल्स भी हैं, आप देख पा रहे हो, ये बहुत सारी एंट हिल्स बनी हुई है इस गिर फॉरेस्ट में। इन हिल्स के अंदर अनगिनत एंट्स होती हैं। वाओ, आप जगह जगह देख पाओगे, आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एनिमल को आप स्पॉट करोगे ही करोगे। ओके, दैट्स अ पॉन्ड। अब देखते हैं यहाँ पर कौन है। वाओ, देखिए यहाँ पे एक और लायन है, ही इज रेस्टिंग, वो सो रहा है इस समय। चलिए थोड़ा क्लोज से देखते हैं। इन लोगों ने गियर में, जहाँ पे इन लोगों ने लेपर्ड्स को रखा है, लेपर्ड्स को इन लोगों ने एक्चुअली पूरा बाउंड्री वॉल्स में रखा है। तो अभी देखते हैं, वाह, ये देखिए लेपर्ड, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, स्पीड एंड एक्टिव। ये देखिए एक और वहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इनका एक एक्चुअली ग्रुप है, क्योंकि ड्यू टू वीडियो शूट यहाँ पे कुछ कुछ वो शायद आपको स्पॉट करने पड़ेंगे मूवमेंट्स उनकी, क्योंकि वो जगह जगह बैठे हैं। ये देखिए अभी ये यहाँ, वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ट्रूली ब्यूटीफुल। अगर आपका प्लान है सोमनाथ जाने का, तो
मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन वहाँ स्टे कीजिए और वहाँ पे आप गिर जाने का अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो दे विल जस्ट लव दिस प्लेस। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरे साइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ डियर्स था, ये देखिए अ बंच ऑफ डियर्स। जबकि यहाँ पे कुछ अलग अलग टूर्स हैं, कुछ 3 घंटे वाले भी हैं, जिप्सी सफारी, यहाँ पे डिफरेंट एक्शन ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो अगर आपको जो भी चूज़ करना हो तो ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हमें जो एक्चुअल बेस पे टूर वो होता है 45 मिनट्स का बस टूर। ये देखिए दूसरी जगह पे जहाँ पे इन लोगों ने टाइगर्स और लेपर्ड्स को, एक्चुअली वो जैसे मैंने बताया बाउंड्री वॉल में उनको रखते हैं, दे आर कट लूज बट वो उनको एक्चुअली बाउंड्री दी हुई है। ये देखिए आप, वाओ। लुक एट दिस, ब्यूटिफुल। सोमनाथ जिसे कहा जाता है देवभूमि, एक ब्यूटिफुल जगह है। और यहाँ पे हमारा ये टूर खत्म होता है और हम अभी बढ़ रहे हैं हमारी एग्जिट की तरफ। जब आप ये टूर कंप्लीट करोगे, ये देखिए जब यहाँ से हमने एंट्री की थी तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगते हैं और आपको बस वहीं ड्रॉप करेगी जहाँ से आपको पिकअप किया। और जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया, आने के समय हमारे राइट साइड में था एक कैफेटेरिया जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। और यहाँ पे जगह जगह ये पैनल्स लगे हुए, प्लीज़ डू नॉट फीड द वाइल्ड। और स्पेशलिटी गिर की जो है लायंस, द रॉयल किंग्स, इट्स अ होम फॉर रॉयल किंग्स। और यहाँ पे थोड़ी चिल्ड्रंस की प्लेइंग एरिया है। अगेन द बुकिंग ऑफिस एंड सीधे जाओगे तो आपका एंट्रेंस है और हम जाएंगे हम पीछे जहाँ से एग्जिट है। देर आर मैनी अदर फॉरेस्ट पार्क्स गुजरात में, तो देर वॉज अ लिस्ट एंड इट्स अ टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू लायंस द फॉरेस्ट किंग।